ஓம் த்ரயம்பகம் யஜாமஹே சுகந்திம் புஷ்டிவர்தனம் உருவாருகுமேவ பந்தனான் மிருத்யோர்முக்ஷிய மாம்ருதாத். 19 வர்ஷ் கே பாத் 4 ஜூலை சே 31 அகஸ்த் தக் श्रावण मास रहेंगे। 2 श्रावण है और 8 सोमवार है। आप अपने जीवन में क्या चाहते हैं? आप रोग मुक्त हो जाएं, मानसिक और शारीरिक रूप से आपको कोई कष्ट ना मिले, परिवार सहित सुख शांति और समृद्धि के साथ जीवन जिए, आप जो भी कर्म करते हैं उसमें आपको विजय मिले, सिद्धि प्राप्त हो, घर में धन और अन्न की कमी न रहे। इसके लिए विशेष रूप से आध्यात्मिक साधना सिद्धि केंद्र के विद्वान पंडितों ने शिव रक्षा कवच का निर्माण किया है। इसे आप भी प्राप्त कर सकते हैं। प्राप्त करने के लिए अपना नाम, माता पिता का नाम, अपना गोत्र हमें भेज दीजिए। हम आपके नाम से इसे सिद्ध करके आपको भेज देंगे। जब प्राप्त हो तभी इसे धारण कर लीजिए। आपकी सुरक्षा होगी और आपके अपनों की भी सुरक्षा होगी। नमस्कार प्रिय साथियों, मैं हूं सुरेश श्रीमाली। ट्रांजिट स्पेशल इस विशेष कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। शुक्र सिंह राशि में वक्री हो रहा है, यानी शुक्र चलेंगे उल्टी चाल 23 जुलाई से 4 सितंबर 2023 तक। प्रिय साथियों, शुक्र ग्रह को दैत्य गुरु शुक्राचार्य भी कहा जाता है। इनका जिक्र हिंदू धर्मशास्त्र की बहुत सी पौराणिक कथाओं में है। पुरानी मान्यताओं के अनुसार भगवान शिव से शुक्राचार्य ने एक विशेष वरदान प्राप्त किया था, जिसके परिणाम स्वरूप ही वो पृथ्वी और स्वर्ग दोनों लोकों की संपत्ति के मालिक बन गए थे। इसी वजह से शुक्र को न केवल संपत्ति का बल्कि औषधि मंत्र का स्वामी भी कहा जाता है। दूसरी तरफ वैदिक ज्योतिष के माने तो शुक्र को बेहद ही लाभप्रद ग्रह माना गया है। इसीलिए सबसे बड़ी 20 साल की दशा शुक्र की है। इस ग्रह को विशेष रूप से प्यार, इश्क, मोहब्बत, वैवाहिक जीवन, सांसारिक संतान सुख के लिए कारक माना जाता है। जितने भी लोग जो फैशन पैशन हॉबी से जुड़े हुए लोग हैं, स्पा सलून जिम चलाते हैं, फूड एंड बेवरेजेस, होटल, रेस्टोरेंट, कॉस्मेटिक, गिफ्ट आइटम, हैंडीक्राफ्ट और फैशन की चीजों का काम करते हैं, विलासित और लग्जरी प्रोडक्ट का काम करते हैं, लव लाइफ और रिलेशनशिप में ऐसे लोगों की बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। और इस बार शुक्र 23 जुलाई से 4 सितंबर तक उल्टे चलेंगे तो आपकी राशि पर क्या असर पड़ेगा ये तो मैं बताऊंगा ही, लेकिन उससे पहले एक इंपॉर्टेंट बात। अगर आप पर्सनल या प्रोफेशनल लाइफ की समस्या को लेकर परेशान हैं और मुझसे पर्सनली मिलना चाहते हैं तो फिलहाल मैं 22 जुलाई को दिल्ली हूँ, 23 जुलाई को कोलकाता, 28 जुलाई मुंबई, 29 जुलाई सूरत और बड़ौदा, 30 जुलाई अहमदाबाद, 5 और 18 अगस्त को दिल्ली, 6 अगस्त चंडीगढ़, 11 और 25 अगस्त को मुंबई, 12 अगस्त नासिक और 13 अगस्त को पुणे रहूंगा। उसके बाद 19 अगस्त पटना, 20 अगस्त लखनऊ, 26 अगस्त रायपुर और 27 अगस्त को इंदौर रहूंगा। आप यहाँ पर्सनली मिल सकते हैं या टेलीफोनिक और वीडियो कॉन्फ्रेंस अपॉइंटमेंट के द्वारा भी जुड़ सकते हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं मेष राशि से। मेष राशि में देखिए शुक्र सेकंड हाउस और सेवंथ हाउस के लॉर्ड होकर अब फिफ्थ हाउस में वक्री यानी उल्टे चलेंगे। आपके व्यक्तित्व का अट्रैक्ट बनाने के लिए, साथ ही आपकी छवि में चार चांद लगाने के लिए आपको पीछे जाकर चेक करना होगा क्या गलती है, उसे सुधारिए। लव लाइफ और रिलेशनशिप में देखा जाए तो मधुरता आएगी और पार्टनर के साथ खुशनुमा पल बिताएंगे। अपनी गलतियों से सीखकर आगे का रोड मैप बनाएंगे। आपको वर्क प्लेस में तरक्की देखने को मिल सकती है। पदोन्नति की संभावना बन रही है। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से पेट और गुप्तांग और यूरिन की तकलीफ परेशान कर सकती है। बिजनेस में विस्तार के लिए धन निवेश करना और सावधानी पूर्वक पैसे से पैसे कमाने के लिए इन्वेस्टमेंट करना शुभ रहेगा। स्टूडेंट, आर्टिस्ट और प्लेयर्स को किसी बात को लेकर दोस्त से नाराजगी हो सकती है। शुक्रवार के दिन धूप और दीपक जलाकर निवेद्य यानी प्रसाद देवी लक्ष्मी को अर्पित करें। श्री सूक्त और कनकधारा स्तोत्र का पाठ करें, शुक्र ग्रह मजबूत होंगे। बात करते हैं वृषभ राशि की। आपकी राशि और छठे घर के लॉर्ड होकर फोर्थ हाउस पर रहेंगे। माता के स्वास्थ्य पर ध्यान दीजिए, नई गाड़ी मकान सुख सुविधाओं की तरफ ध्यान दीजिए, लेकिन सोच समझ के खर्चा करें। आपका ज्यादातर समय भौतिक सुखों के आनंद में लगा रहेगा, इससे बहुत सारी चीजें खो देंगे। वर्क प्लेस में खर्चों में अनायास वृद्धि होने वाली, लीगल कॉम्प्लिकेशन को लेकर अवेयर आपको रहना होगा। और बिजनेस की बात करें तो आपको काम के सिलसिले में लंबी यात्रा भी करनी हो सकती है। अगर आप सिंगल हैं तो अच्छा साथी और कंपेनियन आपको मिल सकता है। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से अच्छा समय, लेकिन स्टूडेंट, आर्टिस्ट और प्लेयर्स, ध्यान आपका भटकने वाला है। रॉन्ग फ्रेंडशिप, रॉन्ग कंपनी आपको परेशान कर सकती है। शुक्रवार के दिन चांदी के एक टुकड़े पर शुक्र यंत्र बनवा दीजिए और रेशमी कपड़े में लपेटकर शुक्रवार के दिन किसी भी नीम के पेड़ के नीचे दबा दें, इससे शुक्र ग्रह मजबूत होंगे। मिथुन राशि की बात करते हैं। मिथुन राशि में ट्वेल्थ हाउस और फिफ्थ हाउस के लॉर्ड होकर अब थर्ड हाउस में वक्री विराजमान रहेंगे शुक्र। आपकी आय में वृद्धि होने की संभावना बन रही है।
आपको वर्क प्लेस में तरक्की पाने के नए अवसर प्राप्त होंगे और बिजनेस में आपको किसी विदेशी सोर्स और पुरुष को महिला और महिला को पुरुष से बड़ा लाभ मिल सकता है। फिल्म अभिनेता, ऐसे लोग जो कलाकार हैं, आर्टिस्ट हैं, म्यूजिक डांस एकेडमी का काम करते हैं, उन लोगों के लिए फलदायक समय नया कोई और नई अपॉर्चुनिटी आपको मिल सकती है। प्यार, इश्क और मोहब्बत में रोमांच और रोमांस तो बढ़ेगा, लेकिन आप किसी को धोखा देने वाले इससे अलर्ट रहिए। स्टूडेंट, आर्टिस्ट और प्लेयर्स, आप फालतू के काम में टाइम कहीं खराब करने वाले हैं, इससे चिंता छोड़कर चिंतन करिए। और बात करें उपाय की, तो आप स्नान आदि कार्यों से निवृत्त होकर ओम द्राम द्रीम द्रोम सह शुक्राय नमः एक वाला रोज जाप कर लीजिए। सफेद चीजों को दान करिए और पौधे ऐसे लगाएं जिसमें सफेद फूल लगते हों, आपको आनंद मिलेगा। बात करते हैं कर्क राशि की। 11th हाउस और 4th हाउस के लॉर्ड होकर अब 2nd हाउस में शुक्र वक्री होकर विराजमान रहेंगे। प्रॉपर्टी में झगड़ा, पैसा रुकेगा नहीं, खर्चा और कर्जा बढ़ सकता है, बल्कि पैसे का नुकसान भी हो सकता है, अलर्ट रहना होगा। अपने वर्क प्लेस पे तरक्की पाने के लिए आप शॉर्टकट और कोई गलत रास्ता चुनने वाले से बचिए। कोई खास व्यक्ति आपकी जीवन शैली और काम को प्रभावित कर सकता है। घर में परिवारजनों के बीच एडजस्टमेंट बिठाइए, एनवायरमेंट को अच्छा करना होगा, इसके लिए छोटा या बड़ा सेक्रीफाइस, कॉम्प्रोमाइज, एडजस्टमेंट करना होगा। अपने करीबियों के साथ आप अच्छा वक्त व्यतीत कर पाएंगे। बिजनेस में तेजी लाने के लिए किसी खास व्यक्ति की मदद मिलेगी। स्टूडेंट, आर्टिस्ट और प्लेयर्स, सोशल मीडिया और दूसरी चीजों में बहुत ज्यादा इन्वॉल्व रहेंगे, लेकिन आपको इतना जरूर ध्यान रखना चाहिए कि फर्स्ट ऑप्शन आपका करियर है। बात करते हैं विशेष उपाय की। शुक्रवार को प्राण प्रतिष्ठित मातंगी यंत्र का पूजन करें और भोग के रूप में खीर चढ़ाएं। शुक्र से जुड़ी हुई चांदी, दूध, दही, इत्र, चावल, सफेद चीजें, सफेद चंदन आदि का दान करिए। सूर्य को अर्घ्य जरूर दीजिए। बात करते हैं सिंह राशि की। यहां पर 10th हाउस और 3rd हाउस के लॉर्ड होकर अब आपकी राशि विराजमान रहेंगे। आपका अट्रैक्शन बढ़ेगा, फैशन, पैशन, हॉबीज में ध्यान बढ़ेगा। बात कर रहे हैं अंदाज, प्रेजेंटेशन और ड्रेसिंग सेंस शानदार रहेगा। हेयर स्टाइल अच्छी रहेगी और आप बहुत खूबसूरत हैंडसम नजर आएंगे। आप अपने वर्क प्लेस में बदलाव जरूर करेगा। बिजनेस में तरक्की के लिए आपको लंबी दूरी की यात्रा करनी पड़ सकती है। जितना फिरोगे उतना चरोगे। भाई बहनों के साथ कोऑर्डिनेशन अच्छा रखोगे तो प्रोफेशनली भी लाभ मिलेगा और मैरिड लाइफ में सुधार आएगा। और अपने पार्टनर के लिए आप बहुत सारे काम करने वाले हैं, लेकिन आपके अंदर जलन और ईगो ये बढ़ने वाला है, अहम और वहम बढ़ने वाला है, इस पर ध्यान देना होगा। जो लोग आर्टिस्ट, फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े हुए लोग हैं, सिंगिंग म्यूजिक से जुड़े हुए लोग हैं, यूट्यूबर ब्लॉगर हैं, सोशल मीडिया से जुड़े हुए लोग हैं, ये वक्री काल में गलतियां जो पीछे की है उसको सुधार कर नए प्रॉफिट की तरफ आगे बढ़ेंगे। पैसा जोड़ नहीं पाएंगे लेकिन खर्चे बढ़ने से रोक नहीं पाएंगे, इसलिए आपको फाइनेंस पर ध्यान देना है। शुक्रवार के दिन माँ दुर्गा और 5 कन्याओं की पूजा करें। इन कन्याओं को सफेद मिठाई और उनके काम की कोई चीज गिफ्ट करिए, खीर खिलाइए और साथ में सफेद चीजों का दान करिए। मोर पंख हमेशा अपने वॉलेट में रखिए। बात करते हैं कन्या राशि की। कन्या राशि में भाग्य स्थान यानी 9th हाउस और साथ में 2nd हाउस के लॉर्ड होकर अब 12th हाउस में शुक्र विराजमान रहेंगे। माता, भवन, भूमि, वाहन, इन्वेस्टमेंट शुभ और मांगलिक कार्यों पर खर्च होंगे। ट्रैवल शानदार होगा। बिजनेस में आपको कोई पैसा फंसाना, नुकसान और धोखा देना चाहेगा, ऐसे लोगों को पहचानिए। आपके पिताजी के स्वास्थ्य में गिरावट आ सकती है। स्टूडेंट, आर्टिस्ट और प्लेयर्स, करियर को लेकर खुशी की खबर मिलेगी, लेकिन ओवर कॉन्फिडेंस न हो पाए और ना ही कल्पनाओं के घोड़े दौड़ाएं। कार्य क्षेत्र पर अपने आसपास के लोगों से बैठे बैठे अनबन, कोई प्रोवोक करेगा लड़ाई झगड़े के लिए, ऐसे लोगों को पहचानिए। लव पार्टनर, लाइफ पार्टनर साथ प्यार, इश्क और मोहब्बत एक टॉनिक का काम करने वाले हैं। माता पिता और घर के बड़े बुजुर्गों को तीर्थ स्थान पर ले जाकर या उनके काम की कोई चीज करवा के आप बहुत पुण्य कमाने वाले हैं। शुक्रवार के दिन माँ दुर्गा के मंदिर में आप उनकी प्रतिमा के समक्ष ओम दुम दुर्गाय नमः मंत्र की एक बार जाप करें और गाय की सेवा करें, उनके लिए कोई व्यवस्था कर दीजिए, बहुत पुण्य मिलेगा। बात करते हैं तुला राशि की। या 8th हाउस और आपकी राशि के लॉर्ड होकर 11th हाउस में शुक्र वक्री विराजमान होंगे। आप अपने प्रॉफिट को लेकर जो गलतियां की, इन्वेस्टमेंट को लेकर जो गलतियां की, उसे सुधार करिए और नए प्रॉफिट, नए इन्वेस्टमेंट की तरफ आगे बढ़ेंगे। आप अपने बिजनेस को अच्छे ढंग से चलाने के लिए नए लोगों साथ में जोड़िए। आपका वैवाहिक जीवन और दाम्पत्य जीवन जिससे हम कहते हैं वो अच्छा नहीं रहेगा, इसको अच्छा बनाना आपको। फुर्सत जब भी मिले फैशन, पैशन, हॉबीज की तरफ ध्यान दें, अच्छा म्यूजिक सुनिए, मन अच्छा रहेगा तो आप घर में और बाहर भी ध्यान दे पाएंगे। स्वास्थ्य दृष्टिकोण से ये यूरिन की प्रॉब्लम, पेट और गुप्तांगी हार्मोन्स की तकलीफ दे सकता है। ऊर्जा अच्छी मिले इसके लिए योग प्राणायाम के साथ साथ अच्छे फूड और वेजिटेबल्स पर ध्यान दीजिए। स्टूडेंट, आर्टिस्ट और प्लेयर्स का ध्यान भटकने वाला है, उसे वापस ले आए, नहीं तो आपको करियर में नई चुनौतियां मिलने वाली है। शुक्रवार के दिन किसी सुहागिन स्त्री को सौभाग्य की सामग्री भेंट करें और चांदी के बर्तन में सफेद चंदन और सफेद पत्थर का एक टुकड़ा लेकर बेडरूम में रख दें और अगले शुक्रवार को बैठे जलों प्रवाहित कर दीजिए, शुक्र मजबूत हो जाएंगे। बात करते हैं वृश्चिक राशि की। यहां पर 7th हाउस और 12th हाउस के लॉर्ड होकर अब 10th हाउस में शुक्र वक्री विराजमान होंगे।
पिता के स्वास्थ्य पर ध्यान देना है, अपने करियर में थोड़ा बदलाव करना है, रूटीन बदल के आपको ज्यादा अच्छा लाभ मिलेगा। आपको अपने वैवाहिक जीवन में रिश्ते सुधारने पड़ेंगे, छोटी छोटी बातों को नजरअंदाज करना पड़ेगा, वरना ईगो अहम और वहम के लड़ाई झगड़े में सेपरेशन भी आ सकता है, आपका साथी आपको छोड़ के जा सकता है। स्वास्थ्य लिहाज से आपके लिए थोड़ा नुकसानदायक समय हो सकता है। बिजनेस विस्तार के लिए यात्राएं काम आएंगी, नए लोगों को जोड़ना प्रोग्रेस देगा, लेकिन हर काम को अपने देखरेख में करिए। पुरुष को महिला और महिला को पुरुष से लाभ जरूर मिलेगा, लेकिन सोच समझ के संबंध बनाए। वर्क प्लेस पर आपको मन के मुताबिक तरक्की नहीं मिलेगी, लेकिन मानसिक अशांति जरूर मिलेगी, इसके लिए आप हर काम को खुश रहकर करिए। स्टूडेंट, आर्टिस्ट और प्लेयर्स, नए चैलेंजेस आपका इंतजार कर रहे हैं, निडरता से इनका सामना करिए। शुक्रवार के दिन स्फटिक श्रीयंत्र को पंचामृत से स्नान करें, किसी धार्मिक स्थान पर दूध दही घी कपूर सफेद पुष्प सफेद मोती का दान करिए, शुक्र मजबूत हो जाएंगे। बात करते हैं धनु राशि की। 11th हाउस और 6th हाउस के लॉर्ड होकर अब भाग्य स्थान में शुक्र वक्री विराजमान होंगे। पहले कभी आपका दान पुण्य करने का मौका मिला था, किसी की मदद करने का मौका मिला था, जो आपने नहीं की, अब मौका मिले तो उसकी भरपाई कर दीजिएगा, ये पश्चाताप आपको करना होगा। लव लाइफ में छोटी सी बात लड़ाई झगड़े का कारण बन सकती है, ब्रेकअप या ब्रेक ऑफ हो सकता है। बिजनेस में नए इनकम सोर्सेज आपको जनरेट करने के लिए रिसर्च और डेवलपमेंट करना होगा। सिंगल लोगों को अच्छे रिश्ते मिल सकते हैं, अट्रैक्शन बढ़ेगा, लेकिन कुंडली मिलाए बिना शादी नहीं करें। पुलिस फौज प्रशासन की तैयारी करने वाले स्टूडेंट के लिए ये समय अनुकूल साबित होगा। अगर आप कोई प्रोफेशनल डिग्री लेना चाहते हैं, कोई ऑनलाइन प्रोफेशनल कोर्स करना चाहते हैं, तो आपके लिए समय शानदार है। वर्क प्लेस पर पदोन्नति और ट्रांसफर की संभावना बन रही है। स्वास्थ्य को लेकर कोई बड़ी तकलीफ नहीं, लेकिन छोटी छोटी समस्याएं बड़ी ना हो जाए, इस पर ध्यान देना होगा। शुक्रवार को आप सफेद रुमाल में 125 ग्राम मिश्री बांधकर लक्ष्मी नारायण के मंदिर में अर्पित कराएं और सफेद गाय को हरी घास खिलाइए, उसकी सेवा करिए, शुक्र के दोष दूर हो जाएंगे। बात करते हैं मकर राशि की। 10th हाउस और 5th हाउस के लॉर्ड होकर अब 8th हाउस में शुक्र वक्री विराजमान रहेंगे। पुराना रोग वापस आ सकता है, रैश ड्राइविंग में आप कोई चोर दुर्घटना का शिकार हो जाएंगे, हो सकता है कि गलत आपके संबंध बन जाए, नशा पता करने लग जाए, इससे आपको बचना होगा। हर काम को रिसर्च करके डेवलपमेंट करिए और सोच समझ के बोलिए। अपने आंतरिक सुख के लिए आपको अनुभूति तो होगी, लेकिन आप दूसरी चीजों में इतने प्रभावित रहेंगे कि असंतोष में ही रहेंगे। परिवार में खुशियों का माहौल आपको बनाना पड़ेगा, अपने आप नहीं बनेगा। कोऑर्डिनेशन बिठाइए और एकता दिखाइए। लव लाइफ और रिलेशनशिप में पार्टनर की हर संभव मदद करिए, उनकी तारीफ करिए। आप अपने कार्य क्षेत्र में अच्छा प्रदर्शन करेंगे और प्रमोशन और ट्रांसफर के चांस भी बनेंगे। बिजनेस में पार्टनर के साथ किसी बात को लेकर अनबन हो सकती है। स्टूडेंट, आर्टिस्ट और प्लेयर्स, बैठे बैठाए आप सोशल मीडिया और दूसरी चीजों में इतने इन्वॉल्व हो जाएंगे कि अपना ही टाइम गवा देंगे और बैठे बैठाए शत्रु भी बना देंगे। शुक्रवार के दिन 11 लघु नारियल एक लाल कपड़े में बांधकर अपने धन वाले स्थान पर रख दीजिए और हर शुक्रवार को श्री सूक्त और लक्ष्मी सूक्त का पाठ करिए, कभी धन की कमी नहीं आएगी, शुक्र ग्रह मजबूत होंगे स्वलग। आइए अब बात करते हैं कुंभ राशि की। कुंभ राशि में भाग्य स्थान और 4th हाउस के लॉर्ड होकर 7th हाउस में शुक्र विराजमान रहेंगे, वो भी वक्री। आपने अपनी पत्नी के साथ, अपने पार्टनर के साथ अगर कोई बुरा बर्ताव पहले किया है तो क्षमा मांग लीजिए और आगे से कसम खाइए ऐसा नहीं करेंगे। और लाइफ पार्टनर और बिजनेस पार्टनर के साथ आपको कम्युनिकेशन शानदार रखना चाहिए। बिजनेस में छोटी यात्रा करके बड़े अवसर आपको मिलेंगे लाभ कमाने के, और नया इनकम सोर्सेज आपका जनरेट हो सकता है। आप कठोर और अप्रिय शब्द बोलने वाले हैं, इससे आपके अपने ही लोग आपसे नाराज हो जाएंगे। अहंकार आपके बीच में आएगा और जुबान खराब निकलेगी। जुबान से शब्द, धार्मिक कार्यों के प्रति रुचि बढ़ाएं, योग प्राणायाम ध्यान चिंतन करिए, रोज कुछ न कुछ पढ़िए लिखिए और अपनी फैशन पैशन हॉबीज को जो अपने डिब्बे में बंद कर रखा है बाहर निकालिए और उन एक्टिविटीज को करिए, आपको बहुत अच्छा फील होगा। इसके साथ साथ वर्क प्लेस पर आपको कुछ शुभ समाचार मिलने वाले। स्टूडेंट, आर्टिस्ट और प्लेयर्स, मन लगाना आसान नहीं है, बल्कि भय पीड़ा का माहौल, चिंता का माहौल आप खुद बनाने वाले हैं, इससे बचना ही होगा। उपाय की बात करें तो पानी में इलायची डालकर स्नान करके भगवती दुर्गा को केले का भोग लगाएं और ये प्रसाद ब्राह्मण देवताओं को बांटिए, ऐसा करने से शुक्र दोष दूर होते हैं। बात करते हैं मीन राशि की। यहां थर्ड हाउस और 8th हाउस के लॉर्ड होकर छठे घर में शुक्र विराजमान रहेंगे। एक तो स्वास्थ्य पर ध्यान देना है, आप ऊपरी मेकअप वगैरह खूबसूरती बहुत कर लेंगे, लेकिन भीतर से खुश होना बहुत जरूरी है। और यूरिन की, पेट और गुप्तांग की तकलीफ आपको परेशान कर सकती है, डायबिटीज परेशान कर सकती है। बिजनेस में आपकी कम्युनिकेशन शैली में निखार आएगा, ट्रैवल बहुत अच्छा होगा और आप लोगों को अट्रैक्ट करने में सक्षम हैं और सफल भी होंगे। आर्थिक रूप से धन प्राप्ति मिलेगी, नया सोर्स भी जनरेट हो सकता है शेयर बाजार, वायदा बाजार, जमीन जायदाद में, और शुक्र से संबंधित जॉब और बिजनेस में आपको बहुत अच्छे लाभ मिलेंगे। लव पार्टनर और लाइफ पार्टनर के साथ अच्छे ढंग से बात करिए और शादीशुदा है तो ससुराल से संबंध सुधारिए, वरना गड़बड़ हो जाएगी। अपने लाइफ पार्टनर को बिजनेस पार्टनर भी बनाया जा सकता है और दोनों मिलकर संतान के लिए बहुत अच्छा काम कर सकते हैं, परिवार का माहौल अच्छा कर सकते हैं। इसलिए
अपने साथी के स्वास्थ्य पर भी ध्यान देना, मानसिक और शारीरिक रूप से। वर्क प्लेस पर यह समय शांति से काम करके हर परिस्थिति को अपने कंट्रोल में करने का है। स्टूडेंट, आर्टिस्ट और प्लेयर्स अपने अपने फील्ड में सक्सेस पाने में प्रयासरत रहेंगे और सफल भी होंगे। शुक्रवार के दिन मां लक्ष्मी जी का स्मरण करके कोई भी सफेद प्रसाद कन्याओं को बांटें, साथ ही चींटी को शक्कर, तेल, तेल आटा, खोपरे का पाउडर खिलाइए, थोड़ा कीड़ी नगरा सींच दीजिए, शुक्र ग्रह मजबूत होंगे। मेरे प्रिय साथियों, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और व्यस्त रहिए। आप मुझसे पर्सनली मिल सकते हैं या टेलीफोनिक और वीडियो कॉन्फ्रेंस अपॉइंटमेंट के द्वारा भी जुड़ सकते हैं। दिए गए नंबर पर संपर्क करके पूरी जानकारी हासिल कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही, प्यार भरा नमस्कार और बहुत बहुत आशीर्वाद।